हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 34 करेंगे, जो कि इंग्लिश की हमारी ये 22 नवंबर की है, क्लास 7 की। आज हम पढ़ेंगे WH फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले दो बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन। रीनू, नीरू, व्हाट इज योर नेम? रीनू पूछती है कि आपका नाम क्या है। पूजा, माई नेम इज पूजा। मेरा नाम पूजा है। नीरू, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर? आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? पूजा, आई एम वेटिंग फॉर माई मदर। मैं अपनी मदर का इंतजार कर रही हूँ। नीरू, हु इज योर मदर? आपकी मदर कौन है? पूजा, मिसेज रेखा इज माई मदर। मिसेज रेखा मेरी मम्मी है। वेन विल शी कम? वो कब आई? पूजा, शी इज इन अ शॉप नियर। वो पास वाली शॉप में है और 10 मिनट में आ रही है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं दोनों, वो कन्वर्जेशन करते हैं और वर्ड्स लाइक वॉट, वाई, हु, वैन, आर, ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हुज आंसर्स रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन बिगेन विद दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट वर्ड्स, कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें किसी क्वेश्चन के बाद इंफॉर्मेशन का पता लगे, उनको कहा जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। वैन, वेयर, विच, हूज, हाउ, और इनको हम WH फैमिली की कैटेगरी में भी कह सकते हैं। जैसे व्हाट पूछता है कि आप किस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, हु यानी कौन, पीपल है। विच आस्क अबाउट द पीपल और थिंग, विच पीपल और थिंग के बारे में बात करता है। वेयर एक प्लेस कहाँ पे है उसके बारे में। वैन टाइम के बारे में, कब तक। वाई, वाई किसी रीजन या पर्पस को बताता है। हाउ कैसे, और हूज किसी की पोजेशन की है, किसका है। तो बच्चों इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपको क्वेश्चन बनाना है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो इसका क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है। डैश आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या के लिए क्या आता है, वॉट। दिस इज माई फ्रेंड्स बैग, तो यहाँ पे किसी की चीज बताई जा रही है। तो चीज के लिए क्या आता है, हुज, हुज बैग इज दिस। अब अगला जो है, अगला है डैश विल शी कम टू दिल्ली। शी विल कम टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ एक टाइम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैन आएगा। अगला है डैश आर यू वॉचिंग ऑन टीवी। आई एम वॉचिंग अ मूवी, तुम टीवी पर क्या देख रहे हो, मूवी। अब अगला डैश वर यू एबसेंट यस्टरडे। आई वॉज एबसेंट यस्टरडे बिकॉज आई हैव अर्जेंट वर्क। तो वाई आएगा। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।